हेलो स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो टीचिंग वैकेंसी आई हुई है उसको लेकर। तो सबसे पहले ये जो है आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो ये हमारा स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपका जो है सबसे फर्स्ट है आपका व्याख्याता अंग्रेजी से है। ठीक है, इसके लिए आपकी एक सीट है अनुसूचित जनजाति को लेकर। उसके बाद व्याख्याता जो है रसायन के लिए भी एक सीट है जो अनारक्षित है। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए भी एक सीट है जो अनारक्षित है। और जो व्याख्याता गणित के लिए जो आई हुई है वो हिंदी माध्यम को लेकर के है और जो कि अनारक्षित है। अगर हम इसकी पे स्केल की बात करते हैं तो 38,100 रुपए है। ठीक है, उसके बाद अगर हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम सामाजिक विज्ञान के लिए एक सीट है जो अनारक्षित है, इसके लिए 35,400 आपकी पे स्केल है। व्यायाम शिक्षक के लिए भी एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित है और इसकी जो सैलरी है वो 35,400 है। तो आप सभी को पता है आत्मानंद की जो भर्ती जो है वो संविदा के तौर पे ली जाती है। अब यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए व्याख्याता के लिए, आपका जो पीजी में आपका 50% होना चाहिए और बीएड भी कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं शिक्षक के लिए, तो शिक्षक के लिए आपका 50% के साथ ग्रेजुएशन डीएड या फिर बीएड जो है आपका होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन और है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है इंग्लिश मीडियम से होना कंपलसरी है और टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्यायाम शिक्षक के लिए, व्यायाम शिक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका 50% के साथ शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन। ओके, और इसकी संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश माध्यम के साथ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए भी आई हुई है अंग्रेजी माध्यम के लिए, जिसमें कुल पद 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, 2 आपका जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है ना, अनुसूचित जनजाति में भी 2 महिलाओं के लिए है। ठीक है, और 4 मुक्त है, मतलब 6 सीट में 2 महिलाएं के लिए है और 4 जो है वो फ्री है, उस पर कोई भी अप्लाई करते हैं। 1 जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, उसकी सैलरी जो है आपकी है 25,300। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th है, 50% आपका 12th में होना चाहिए और डीएलएड कंपलसरी है। इसमें आपकी संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए और आप टेट क्वालिफाई हो। उसके बाद वृत्ति की भी एक पोस्ट आई हुई है जो अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसकी पे स्केल है आपका 15,600। अब इसमें जो है आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो 8वीं है। तो इस तरीके से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पे स्केल पे है ये, कांकेर के लिए है हमारा। और इसके लिए जो है आप ऑनलाइन जो है वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा भी इसके बाद जो भी वैकेंसी आती जाएगी वो हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर अभी तक से आपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।